ये देखो कौन आ गया है, हमारी छोटी रूहानी। क्या आ गया है? हाँ है सुंदर ना, पतला सा, स्लिम एंड ट्रिम। आप लोगों जैसे ही। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज मैं अपनी बहुत प्यारी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, जिसे आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि वर्षा यानी कि पूजा जोशी, जो कि सिर्फ मेरी फ्रेंड ही नहीं है बल्कि फैमिली है। और शायद आप लोगों को पता ही होगा कि पूजा की एक और बहुत प्यारी सी बिटिया रानी हुई है। उसकी पहली बेबी का नाम रिधिमा है और अब एक और गुड़िया रानी उनके घर में आ गई है। एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी टू शेयर विद यू कि सिर्फ पूजा ही नहीं, जो उनके हस्बैंड है मानिश, वो भी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो चलिए, मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को भी अपने साथ उनके घर ले चलती हूँ और हम उन्हें कुछ प्यारा सा तोहफा भी देते हैं। पूजा ने हमें चाय के लिए इनवाइट किया है, तो थोड़ी चाय भी हो जाएगी। संजीव जी थोड़ा बाहर गए हैं, अभी वापस आने ही वाले होंगे, हमें ज्वाइन करेंगे। एंड क्या हुआ कि बहुत हमने सोचा कि अब क्या गिफ्ट दिया जाए। यू नो, कई बार ऐसा होता है जब भी बेबी होता है, बहुत से जो है वो डबल डबल गिफ्ट्स आ जाते हैं, मतलब बहुत लोग सेम गिफ्ट दे देते हैं। आइडियली वैसे तो मैं कहती हूँ दो ही चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, या तो आप कैश दे दीजिए, लोग अपने पसंद का गिफ्ट ले लें, लेकिन जो बहुत क्लोज लोग होते हैं आपको ये भी समझ में नहीं आता कैश दें कि नहीं। कोई ऐसी चीज़ दें जो कि उनके काम आए, एंड बेबी के तो काम आए, साथ में सारे घर वालों के काम आए। तो हमने बहुत रिसर्च की, उसके बाद एक डिसीजन पे पहुंचे। तो मैं आपको पहले गिफ्ट दिखाती हूँ, तो फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, पहले आपको दिखाती हूँ और उसके बाद हम गिफ्ट लेके जाएंगे पूजा के घर। तो फ्रेंड्स, मैंने और संजीव जी ने काफी ऑनलाइन खोजबीन की और हमने ये सोचा कि हम लोग जो हैं वो पानी के लिए बहुत कुछ करते हैं। इनफैक्ट बेबी को जो पानी देना होता है, या फिर मदर, या घर में सब लोग ही पानी का बहुत ध्यान रखते हैं। एंड कई बार ऐसा भी होता है हम 20-25 मिनट भी बॉयल करके पानी पीते हैं, लेकिन हवा का क्या है? स्पेशली जब हम मेट्रोपॉलिटन में रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, डस्ट होती है, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, तो हवा का क्या? तो कुछ ऐसी चीज़ गिफ्ट की जाए जो प्योर हवा दे, जिससे हमारी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रह सके। एंड आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो देखा होगा मैंने अगारो के जो है कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए थे, एंड मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने ये मंगवाया गिफ्ट करने के लिए। मतलब हमने अगारो का इंपीरियल एयर प्योरीफायर, तो इस इंपीरियल एयर प्योरीफायर के साथ ये रिमोट दिया है, ये है वारंटी कार्ड, 2 साल की वारंटी है, एंड ये मैनुअल है। अब किसी को कोई चीज़ देनी है तो एक बार टेस्ट कर लेनी चाहिए ना, तो चलिए इसे पहले टेस्ट कर लेते हैं। पता नहीं संजीव जी कहाँ रह गए, इतना टाइम क्यों लगा दिया आपने? क्या? इतना टाइम क्यों लगा दिया? अरे टाइम लग गया यार, मतलब लाइन लगी हुई थी इतनी। ये क्या है? ये वही एयर प्यूरिफायर है जो पूजा को गिफ्ट देने के लिए मंगाया है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं ना देने से पहले। हाँ हाँ कर लो। अरे ये तो कितना हल्का फुल्का, उठाने में भी, उठा के कहीं भी ले जाओ, फ्लाइट में कहीं भी रख दो। हाँ जगह भी एकदम कम लेगा, एकदम स्लीक सा है ना, प्लास्टिक बॉडी है इसकी, वैसे दिखता छोटा सा है लेकिन पूरे 400 स्क्वायर फुट एरिया की जो है एयर प्यूरिफाई कर देता है। बिल्कुल, मतलब आजकल के तो 1 BHK को पूरा प्यूरिफाई कर देगा, छोटे छोटे फ्लैट जो है मुंबई में इतने। अरे क्या कर रही हो, निकाल क्यों रही हो? पूजा अगर लगेगा सेकंड हैंड दे दिया है। अरे नहीं नहीं, ओहो टेस्ट तो करेंगे ना पहले इसको, एक बार ऑन करके देखते हैं इस टाइम कितना पोल्यूशन है। अरे वाह कितना प्यारा पैनल है। पैनल तो बहुत अच्छा है, और क्योंकि ये अभी ग्रीन दिखा रहा है ना, इसके मतलब इस वक्त हमारे घर का या बाहर का AQI बिलो 60 है, यानी कि अच्छी है, साफ हवा है। अगर ये ऑरेंज होता तो मतलब AQI 60 और 150 के बीच में, यानी कि मॉडरेट बट स्टिल हार्मफुल, और अगर रेड तो 150 के ऊपर का AQI, दैट इज मतलब वेरी डेंजरस एयर। पूजा के घर के पास बहुत कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, पता चल जाएगा उनको कि उनकी हवा कैसी है। अभी हमारे यहाँ ग्रीन दिखा रहा है, मतलब हमारे यहाँ की हवा एकदम मस्त है। चलो nice. मुंबई में बहुत कम होता है। देखिए देखिए ऑरेंज हो गया ये। इसमें वो ड्यूल स्मार्ट सेंसर है ना, इसीलिए डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली कि कितना पोल्यूशन है। मैंने आपको कहा था ना 60 और 150 के बीच में जाएगा तो ऑरेंज हो जाएगा। ये देखो अभी 98 हो गया AQI, यानी कि ऑरेंज दिखा रहा है। बढ़ गया, हम ऐसे खुश हो रहे थे, इतना हवा बहुत साफ है, मीडियम में हम तो अभी। मोड देखिए आपने इसके, ये ऑटो मोड है, ऑटो पे कर लेंगे तो अपने आप ये जो है अपने हिसाब से एयर प्यूरिफाई करता रहेगा। मतलब कम है या ज्यादा है उसके हिसाब से इसकी स्पीड भी बदल दी जाएगी अपने आप, एडजस्ट होता रहेगा। और ये स्पीड भी चाहे तो मैन्युअली भी कर सकते हैं, वैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं इसकी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लीप मोड, एकदम आवाज भी नहीं आएगी एंड पूरे पैनल की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं, तो हम चाहें तो टाइमर लगा सकते हैं एंड आराम से सो सकते हैं। देखिए
बिल्कुल प्योर हवा में एकदम अच्छी नींद आएगी। हाँ, लाइट डिस्टर्ब भी नहीं करेगी, रात को ब्लिंक ब्लिंक करती रहती है तो आंख में लगती है ना कभी कभी। ट्राई में लगा के देखते हैं इसका। हाँ लग गया, एक घंटा डेढ़ दो। वेरी नाइस, आयनाइजर भी दिया हुआ है एंड ये चाइल्ड लॉक है, ये बड़ा जरूरी चीज है वैसे बच्चे घर में छोटे हों तो। देखिए आयनाइजर भी दिया है, यूवी स्टरलाइज है, इनफैक्ट रिमोट में भी सारे फंक्शंस दिए हैं, बहुत ही इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसकी एक खास बात बताएं आपको, इसके आसपास यानी कि चारों तरफ यानी कि 360 डिग्रीज में जितनी भी हवा है ना, ये एयर प्यूरिफायर उसे पूरी तरह प्यूरिफाई कर देता है अप टू 99.99%। हाँ, फिर चाहे पेट हेयर हो, स्मोक हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या फिर अस्थमा पेशेंट्स हो, उनके लिए भी माइक्रो एलर्जीज। हाँ, I'm sure she's going to like it. Yes, definitely. और बच्चे हैं अगर घर में छोटे तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चों को जल्दी लगती है, बुजुर्ग खांसी जुकाम जल्दी लगता है बच्चों को अगर हवा ठीक नहीं है तो, इट्स वेरी गुड फॉर देम। चलिए अब इसके ना फिल्टर चेक कर लेते हैं, पहले इसका पैनल खोलते हैं। हाँ, कहते हैं कि बहुत जबरदस्त फिल्टर दिया हुआ है, फिल्टर है। ये मैं आ रहा हूं, ये लिखा हुआ है प्री फिल्टर, पहला ही प्री फिल्टर है देखिए। और इसके फिल्टर्स जो हैं फ्रेंड्स, आपको भी बता दूं कि वैक्यूम से क्लीन करने होते हैं, वैक्यूम क्लीनर से। ये एक दूसरा कोई दिया हुआ है, तीन है ना इसके अंदर, तो ये पहला निकला, दूसरा आएगा, दूसरा देखती हूं। ये दूसरा फिल्टर है। ओके, अरे ये बड़ा इसका इंपॉर्टेंट फिल्टर है, हिपा फिल्टर। अच्छा, इसका क्या फीचर है? ये रहा हिपा फिल्टर। वाह, दिखने में इतना अच्छा है। ये जो फिल्टर है ना, इसका कहते हैं 99.97% सारी डस्ट भी कैप्चर कर लेता है। और जो यूवी फिल्टर है वो बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस सबको किल कर देता है। सही चीज है वैसे। 8500 आवर्स लाइफ है फिल्टर की, मतलब एक बार लीजिए और भूल ही जाइए, 8500 घंटे बहुत होते हैं। चलो देर हो रही है, पूजा और मानिश वेट कर रहे होंगे, आप जाइए। मुझे एक बहुत जरूरी काम है, तुम्हें बताया तो था ना एक मीटिंग है आज। देखो आप मेरी बात मान जाओ, आज ये पोस्टपोन नहीं कर सकता मैं, दोनों से माफी मांग लेना प्लीज, और बच्चों को ढेर सारा प्यार देना मेरी तरफ से। ओके, चलिए बाय फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय, एंजॉय दिस एयर प्यूरिफायर एंड यू ऑल्सो डोंट ईट टू मच एट पूजा हाउस। बाय, कौन आया? ओके, पूजा और टचवुड, इसकी हंसी इतनी फेमस है ना, यहाँ से लेके पूरी शूटिंग तक पूजा ने हंसना शुरू किया, मतलब आधा घंटा शॉट बंद, कोई रोक नहीं सकता, ऐसे हंसती रहो हमेशा, दैट्स नाइस एक्चुअली। चलो, यूट्यूबर कैसे बनते हैं, कैसे बोलते हैं यूट्यूबर सारे जो चैनल आप देखते हो? हाय फ्रेंड्स कैसे बोलते हैं? अच्छा हेलो, फिर आगे क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं आगे? लिपस्टिक लगानी है अभी से, मेरे पास तो है, मैं लाई हूँ, लिपस्टिक लगा दूँ? कौन से लिपस्टिक है ये? हाय, ये कलर तो नहीं लगा रही? नहीं नहीं, सच में लिपस्टिक ब्रश है, बाय गुडनेस, लुक एट हर, बड़ी पिंक पिंक अच्छे लग रहे हैं लिप्स हैं। ये लो गिफ्ट। थैंक यू। ओके, तो हमारी छोटी गुड़िया का नाम है रूहानी, और इधर आजा, इधर आ जा, इधर आ जा, और ये है रिद्धु, और पूजा थोड़ी देर के लिए गई है रूहानी के पास, आप जान सकते हैं छोटा बेबी होता है तो उसे मम्मी की कितनी ज़रूरत होती है। एंड दिस इज मानिश, माई डियरेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड, मतलब हम सालों से फ्रेंड्स हैं, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई नो। कैसा लगा मानिश, चला के देखो ना कैसा है, देखते हैं ना, देखें। ये देखो सामने ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कितनी डस्ट आती होगी जब खिड़की खिली खुली होती होगी तो, है ना। चलो इसको ऑन करके दिखाओ। एक्चुअली मुझे और संजीव जी को, मतलब बाबू जी को, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या गिफ्ट दें, तो हमने सोचा ये लेके जाते हैं। देखो उसका ना फिल्टर 2 महीने में एक बार क्लीन करना होता है, कर लेना। अच्छा। बाकी मैनुअल वगैरह मैंने उधर टेबल पे शायद रखा है, रिमोट बड़ी इजीली ऑपरेट हो जाएगा। अगर ये कोई पंगा वंगा ले इसके साथ तो? अरे नहीं नहीं, है ना देखो चाइल्ड लॉक दिया है इसमें, ये देखो ये ऑन कर देंगे ना फिर पंगा नहीं ले पाएगी। हाँ ये बेस्ट है ना, और मुझे इसका स्लीप मोड बड़ा अच्छा लगता है, एकदम आवाज भी नहीं आती और लाइट का पैनल भी बंद हो जाता है आराम से, मतलब फ्रेश उठो, देखना कितना फर्क पड़ेगा एक्चुअली, अच्छी हवा में सोना सुबह कितना फ्रेश उठते हैं हम लोग, फर्क तो पड़ता है, देखने में भी कितना सुंदर है ना। हाँ है सुंदर ना, पतला सा स्लिम एंड ट्रिम, आप लोगों जैसे ही। ये ऑरेंज हो गया, मतलब मीडियम है अभी इस टाइम पे, हमारे उधर भी घर पे हमने पहले टेस्ट करके लाए ना तो मीडियम ही था, उसमें भी ऑरेंज दिखा रहा था, चलो कम से कम रेड तो नहीं है। हाँ। बच्चे में फिर भी थोड़े। हाँ। तो हमारे डॉक्टर ने बोला था, हमने तो रुवाने के लिए लेना ही था। हाँ। डस्ट वस्ट बहुत होती। किसके डॉक्टर ने बोला था पता है? इसको बोला था दिमाग को इसके डॉक्टर ने कि एयर प्यूरिफायर ले लो, एंड हम सोच रहे थे कि लेंगे लेंगे लेंगे, बट
और पता है कि मेरे को मालूम ही नहीं थी ये बात, बिल्कुल भी नहीं पता थी। अच्छा? मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था इस बात का कि सोच रहे हो लेने के लिए कुछ ऐसा है। थैंक यू, तुम्हारे लिए नहीं है ये पूरा 360 डिग्री सब की सफाई कर दे। 400 स्क्वायर फीट कुछ कवर कर। हाँ 400 स्क्वायर फीट। हाँ पर ये तो मुझे नहीं पता था, इसके डॉक्टर ने बोला है। अच्छा हाँ तुझे भी तो एलर्जी है, स्नीजिंग आती है ना रात को। चलो देखते हैं। ये तू बोल रही थी ना तेरे वो जो रहता है फ्रिजी, एक्चुअली बहुत अच्छा है एंटी फ्रिज के लिए। एंड ये वाला है मास्क भी ट्राई करना। ये थोड़ा सा जो है ना टिंट, फ्रेश टिंट ही अच्छी है। और ये लिपस्टिक्स हैं तेरे लिए, और इवन ये भी अच्छा है एक्चुअली। इसको हिला के ना थोड़ा सा इसे पंप करके ये लगा सकते हैं ब्रश से, फिर थोड़ा हिलाना ऐसे। अच्छा ये पंप करना फिर लगाना। ये बीबी क्रीम नहीं, ये जो है ये भी है। अच्छा ये है क्या? ये ऐसे कंसीलर जैसा होता है लेकिन ऐसे ब्रश पंप करते हैं थोड़ा सा, फिर इसको हिलाते हैं पंप करते हैं फिर लगाते हैं। ये फेयर ही है एक्चुअली। क्या ये स्लो जूसर क्या है? कल मैं YouTube के ऊपर देख रहा था क्या अगारो का स्लो जूसर एक है। अच्छा बड़ा अच्छा इंपीरियल करके कुछ ऐसा था। अच्छा तो आज देखा तो अगारो मेरे घर पे। अच्छा वो भी इंपीरियल, ये भी इंपीरियल ही है इसका नाम। दो अगारो इंपीरियल एयर प्यूरिफायर नाम है। अच्छा वो अच्छा है स्लो जूसर। YouTube पे रिव्यूज तो अच्छे ही थे। चलो देखती हूँ, ट्राई करूंगी मैं भी फिर। वेजिटेबल्स के लिए उसके लिए कोल्ड प्रेस होता है। हाँ अच्छा अच्छा, अरे वो तो चाहिए मुझे एक्चुअली। कोल्ड प्रेस बहुत अच्छा है। लेकिन ये बोलते हैं बहुत फटाफट साफ कर देता है एकदम। काफी जल्दी क्लीन कर देता है। और ऐसे ना थोड़ा ओपन स्पेस में ही रखना है इसको, ताकि इसका जो मतलब एरिया है ना बैक वगैरह थोड़ा ओपन रह सारा। ये देखो कौन आ गया है, हमारी छोटी रूहानी। लेकिन अभी हम इसका फेस नहीं दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे थोड़ी सी बड़ी हो जाए। आंटी के हाथ की पंजीरी, टी टाइम। तो आंटी के हाथ की एकदम स्वादिष्ट मसालेदार चाय आ गई है। ऋतु चाय पीती है क्या? और पूजा एक बार फिर से अंदर गई। मॉर्निंग में पीती है ना। आरव भी पीता है पता है, आरव तो चाय ही पीता है एक्चुअली। कपी है ले लो। आंटी का शॉट ले लिया मैं। ओ परफेक्ट है एकदम आंटी, बहुत स्वाद बनी है। क्या आ गया है? हम रिद्धू की टेबल यूज कर रहे हैं। ठीक है कर ले। मेरे मैजिक देखो। हाँ मैजिक। इनसे अब कैसे बचाया जाए खुद को, है ना बड़ा मुश्किल है ना। मामा का लेफ्ट चाय। देव को दिखा रही हूँ कि पता लग जाए मैंने क्या क्या खाया है तो फिर उस हिसाब से एक्सरसाइज मुझे करवा देगा। वहाँ मेरी आंखों पे पट्टी बांध के ये सब खाया जाएगा। आज इससे नहीं बच पाएंगे। चलो चलते हैं। एंड फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल ही गई तब से कि मैं लिंक प्रोडक्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, दैट इज एयर प्यूरिफायर का। आप चाहे तो ले सकते हैं, अगर कोई डील्स डिस्काउंट चल रही होंगी वो भी मैं उसमें लिख दूंगी। एंड चलो चलें। आपके बर्थडे पे मिलते हैं फिर। आपका बर्थडे आला है ना हमारे। लेके आऊंगी आरव भैया को, सबको लेके आऊंगी। ठीक है।